All right, class one, once again, chapter number 19 here, who plays what? यहाँ पे आपको चार पांच pictures दिख रहे हैं, इनके सामने symbol बना हुआ है game का और name भी लिखा हुआ है, right? कौन सा game वो खेलते हैं, लेकिन game का जो spelling है वो आपको unscramble करके ठीक से लिखना है. वैसे आपको आ ही गया होगा answer, ये कौन है? सचिन तेंदुलकर. Who is he? सचिन तेंदुलकर, जिसको आप मास्टर ब्लास्टर बोलते हो. अभी तो नहीं खेलते, ये रिटायर हो गए, पर जब खेलते थे तो बहुत अच्छा खेलते थे. तो क्या खेलते थे ये? क्रिकेट. तो हमको क्रिकेट का स्पेलिंग ठीक करना है, CRICKETT, क्रिकेट. ओके, ये कौन है? सानिया मिर्जा. विशी सानिया मिर्जा. और ये क्या है? ये बैडमिंटन नहीं है, टेनिस है. क्या है? टेनिस खेलती है. शी इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, राइट? सानिया मिर्जा. तो हम टेनिस का स्पेलिंग ठीक करके लिखते हैं, TENNIS, टेनिस. ओके, इनका नाम क्या है? विश्वनाथन आनंद. इन्होंने कंट्री को बहुत प्राउड किया, बहुत ऑनर की दिलवाया. क्या गेम खेलते हैं ये? दिख रहा है आपको? चेस. और डज ही प्ले? चेस खेलते हैं. आपने कभी खेला है? नहीं खेला है तो आप पापा के साथ खेल के सीखो चेस. ओके, ये गर्ल कौन है? साइना नेहवाल. हुई शी साइना नेहवाल. इन्होंने अभी बहुत मेडल्स जीते थे पीछे. और ये क्या खेलती हैं? दिख रहा है आपको? बैडमिंटन. व्हाट डज शी प्ले? बैडमिंटन. आपको पता है ना, टेनिस बॉल से खेला जाता है और बैडमिंटन शटल कॉक से खेला जाता है. बैडमिंटन, हम सही स्पेलिंग लिख देते हैं. ओके, आप अच्छे से स्पेलिंग को लर्न करेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैरी कॉम. इन पर तो मूवी भी बन गई, मैरी कॉम. देखो ये क्या ग्लव्स रखे हैं ना, क्या खेलती हैं ये? ओलंपिक्स में भी गई हुई हैं, साइना भी ओलंपिक्स में गई हैं, राइट? शी डज बॉक्सिंग. क्या करती हैं ये? BOXING, बॉक्सिंग. ओके, सो ये पांच प्लेयर्स, इंडिया के पांचों प्लेयर्स बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. सचिन तेंदुलकर फ्रॉम क्रिकेट, सानिया मिर्जा फ्रॉम टेनिस, विश्वनाथन आनंद फ्रॉम चेस, साइना नेहवाल बैडमिंटन. इसमें साइना नेहवाल में एक नाम आता है ना आपको, पीवी सिंधु भी है, वो भी बहुत अच्छा खेलती है. एंड मैरी कॉम बॉक्सिंग. सो बेटा, कंप्लीट दिस पेज, ओके, एंड शो इट टू मी व्हेनेवर यू डू इट. टिल देन, बाय बाय.